हाँ जी नमस्कार। तो आज मैं पहली बार किसी डीलरशिप पे जा रहा हूँ गाड़ी को देखने और वीडियो बनाने के लिए। तो आज हम जा रहे हैं रेनो के शोरूम पे वाराणसी में, और वहाँ पे हम देखेंगे चला की क्विड को नई जो आई है उसको, और उसका वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में क्या देखने को मिलेगा वो आप बात करते हैं। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कुछ नहीं रेनो के शोरूम पे जाएंगे हम लोग, और वहाँ का काम खत्म होने के बाद में फिर गाड़ी का अपन पोल्यूशन चेक करवाएंगे। तो पोल्यूशन चेक करवाएंगे क्योंकि गाड़ी को हो गए 2 साल और मैंने यहाँ नहीं करवाया, तो वो भी काम करवाना है आज। तो ये दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो चलो फिर कुछ होता है अच्छा बुरा जो भी है अपडेट करते हैं आपको। ये ट्रक ना यहाँ बरसों से हम आए ना तब से ही पड़े हैं। देखो बेचारों में झाड़ उग गए अच्छे से, काफी लंबा टाइम हो गया है 3-4 साल। तो एक्चुअली क्या यहीं पे पुलिस थाना है बगल में, तो पुलिस थाने में ये जब्त हुए होंगे। और भाई साहब पुलिस के चक्कर में एक बार ट्रक ऐसा जो लोडिंग वाले सामान फंस गए ना, तो उनको छुड़ाना बहुत मुश्किल है। एक बार हम लोगों का हमारे घर का ट्रैक्टर फंसा था, एक्चुअली फॉरेस्ट विभाग में फंसा था। भाई साहब पसीने आ गए थे हमें उसे छुड़ाने में, मतलब लगभग साल भर लग गया था उसको छुड़ाने में। और बहुत सारों के तो नहीं छोड़ते, उस प्रोसीजर से परेशान होकर वो छोड़ देते हैं, लेकिन हम लोगों ने भागा दौड़ी करके साल भर में छुड़ाया था उसका। एक टायर बजा रहा था, पिचक गया था, खराब ही हो गया, मतलब खड़े खड़े उसकी हवा नहीं निकलती, तो हवा भी नहीं भरने देते हैं ये लोग। हाँ तो मैंने ट्रैक्टर की बात कर दी, तो मैं बता भी देता हूँ, बहुत सारे सोच रहे हैं ट्रैक्टर जैसा क्या कर लिया। हमारे खेतों के बगल में फॉरेस्ट की भी जमीन है, तो वही है किराए के चक्कर में ड्राइवर चला गया उसको लेके फॉरेस्ट वालों के खेत में, मतलब खेत जो जोत रखे हैं किसानों ने, तो वहाँ पे वो चला गया उसको लेके, तो बस वही जब्त कर लिया गया उसको तो इल्लीगल तो था या। ये यहाँ की टिपिकल आदत है, रोड पे ही मतलब सब पूछ लेते हैं, ये साइड में खड़े करने की तो आदत ही नहीं है सालों की। अपने फोन को न्यूक्लियर बॉम्ब मारिए, यानी कि फैक्ट्री रीसेट करिए, दैट इज द बेस्ट वे टू मेक श्योर योर फोन वर्क्स लाइक मैजिक। सुना आप लोगों ने क्या करना है फोन को मक्खन रखने के लिए हर 6 महीने में फैक्ट्री रिस्टोर मारो, समझे? अच्छा ये बताओ कितने लोग मारते हो? मेरा को तो 2 साल हो गए, मेरा नया जो फोन है उसको मैंने तो आज तक नहीं मारा। किसी ने मारा तो बताओ नीचे कमेंट में। ये जो मटके देख रहे हो आप, ये क्या है कोई गेस कर सकता है? देखो आगे भी रखे हुए हैं ये बड़े बड़े, ये एक्चुअली क्या है ना, यहाँ मछलियों के बच्चे बेचते हैं इनमें। ये देखो ये सब लोग इसमें मछलियों के बच्चे बेचते हैं इनमें बैठ के। बनारस में गंगा की मछली को खाना लोग ना पाप समझते हैं एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे रीजन से उसके बहुत सारे लोगों को पता होगा, तो इसलिए गंगा की मछली को इतना प्रेफर नहीं करते हैं लोग, पॉन्ड वाली मछली को प्रेफर करते हैं। तो ये है ग्रैंड ट्रंक रोड जो सहरसा सूरी ने बनवाया था ना, वो पहले ईंटों का होगा उस जमाने में, आजकल तो डामर का बन गया है। तो ये पहले यहीं होके पटना जाया जाता था, अब तो उधर से हाईवे बन गया, पीछे जो रह गया उधर से, पर पहले यहीं से जाते थे लोग सब। ओके तो हम पहुंच गए रेनो के शोरूम। हाँ जी ये देखो डीलरशिप है इधर, और यहीं बगल में है टोयोटा की, लेकिन टोयोटा में कभी और दर्शन देंगे अपने। आज चलते हैं इसमें और पहले बात करते हैं विकास जी से बात करेंगे हम। हाँ विकास जी मैं आ गया। हाँ आता हूँ मैं। ओके तो वीडियो एक्सटीरियर इंटीरियर सब शूट हो गया है, बस ड्राइव पे जाएंगे अभी हम लोग, तो बस उसी का वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। लेकिन यार इन लोगों का जो रेस्पॉन्स है ना बहुत अच्छा है, मतलब क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, हॉस्पिटेबिलिटी, वो बहुत अच्छी है तो यहाँ का अपना सारा काम कंप्लीट हो गया, और ड्राइवर को नहीं चला पाए क्योंकि बहुत फेस्टिव सीज़न है, और वो बोले किसी भी गाड़ी का के लिए आप कभी भी आ सकते हो, सबसे बढ़िया चीज़ ये मिली। तो रहना कि किसी भी गाड़ी का अगर आपको और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, अपन आ जाएंगे यहाँ पर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अब चलते हैं नेक्स्ट, जो टारगेट था अपना वीडियो का काम हो गया, अब अपना टारगेट है अपनी गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने का। तो ये है पोल्यूशन जांच केंद्र, भाई अंदर भरा पड़ा है, तो बैक करके लगाने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि जो पेट्रोल पोल्यूशन जो चेक होगा ना वो इसके पीछे से चेक होगा, तो मैं बैक कर देता हूँ सबसे पहले।
फिर बताता हूँ आपको क्या क्या चेंज होता है। हॉली शीट या अपना काम एक बार में कभी पूरा नहीं होता। हुआ यूँ कि जैसे गाड़ी के नंबर डाले हैं अंदर, उसमें समस्या ये आ रही है कि उसमें कुछ ऐसा ऑप्शन दिखा रहा है कि आपका पोल्यूशन अंडर कंट्रोल है अभी। तो वो जो बोल रहे हैं भैया कि ऐसा बहुत सारी गाड़ियों में आ रहा है ऐसा फॉर्मेट, तो वहाँ पे अगर पोल्यूशन अंडर कंट्रोल में नो लिखा आ रहा है तो ऐसी गाड़ियों का फिर जब हम डालते हैं पाइप में पीछे से वो जो भी लगाता है इंस्ट्रूमेंट, तो सब में 0 0 0 करके रीडिंग आती है। तो भैया मत करवाओ, क्यों कैसे लगा रहे हो फालतू में। तो वो किसी इंजीनियर को बुलाएंगे, उससे कुछ चेक करवाएंगे, ऐसी समस्या है। और ये बहुत सारी गाड़ियों में उनके साथ आई है, जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें साथ आपके साथ भी आ रही है। तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं दूसरे पेट्रोल पंप पे जाता हूँ और वहाँ देखता हूँ कि वहाँ पे भी सेम समस्या आ रही है या नहीं आ रही है। दिस इज रियली बैड। ऑलमोस्ट पहुँच गए और पीछे खड़े थे पुलिस वाले, बाइक फट रही थी क्योंकि अपनी राजस्थान की कार है ना यार, तो पोल्यूशन का पंगा हो रखा है। पोल्यूशन यहाँ साला देखो ना क्या क्या पंगे हैं। चलो मैं देखता हूँ यहाँ पे पहले। हैं अगेन फेल्यूर हाथ लगा, क्योंकि समस्या ये आ रही है कि कुछ पेट्रोल पंप पे शायद या कुछ पेट्रोल पंप पे ऐसा इशू है कि BS4 व्हीकल्स का नहीं हो रहा, केवल BS3 तक का ही हो रहा है। BS6 की तो बात ही छोड़ दो आप। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है ये समस्या। सो गाइस दिक्कत ऐसी आ रही है कि कहीं भी BS4 इंजन का बनारस में पोल्यूशन चेक नहीं हो रहा है, सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, सबके डाटाबेस में फीड ही नहीं हो रही सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है। तो दिक्कत ये आ गई है। अब इसका मैं रीजन घर पे जाके पढ़ के बताता हूँ आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा। तो बहुत सारी रिसर्च करी, उसके बाद में पता चला कि जो इशू है वो है सॉफ्टवेयर के साथ में। जो यहाँ के मतलब जो पोल्यूशन चेक सेंटर्स हैं वहाँ पे अभी तक BS3 वाले ही सॉफ्टवेयर हैं, उन्होंने अपग्रेड नहीं किया है BS4 और BS6 में। तो सबके साथ में ये प्रॉब्लम आ रही है। बनारस में मैंने 4 पेट्रोल पम्प चेक किए हैं। पेट्रोल पम्प क्या है, ये जो प्रदूषण जांच केंद्र होते हैं, और वहाँ पे सब पे ये समस्या है। तो जब अपग्रेड होगा, वो बोले 5-7 दिन में इंजीनियर आएगा अपग्रेड करेगा, क्या है वो उनकी समस्या है। तो होता है तो फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जब कैसे होता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो बस। चलो मस्त रहो, जिंदाबाद रहो, टेक केयर, बाय बाय। और हैप्पी दिवाली भाई बोल रहा है इधर से विद्यासागर।